हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, TVS Apache RR310 के न्यू वर्जन को लॉन्च करने जा रही है। इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस हो चुका है कि ये RR310 को न्यू वर्जन में कब लॉन्च करने जा रही है। डेट के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, क्या कुछ इसमें नया फीचर दिया गया है वो आपको जानने को मिलेगा, और ये इसका जो प्राइस है नए वाले TVS के RR310 का, उसका प्राइस कितना हो सकता है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। TVS ने इसी साल मार्च में अनाउंस किया था कि वो अपने अपडेटेड RR310 को 7 अप्रैल 2021 को लॉन्च करेंगे, बट ये कोविड के जो सेकेंड वेव था उसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और वहीं अब बात करें तो TVS ने इसको रिवील कर दिया है कि इस अपडेटेड RR310 को 30 अगस्त के दिन लॉन्च किया जाएगा, रिवील किया जाएगा। तो क्या कुछ आपको इसमें फीचर देखने को मिलने वाला है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो वहीं चेंजिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहला चेंज आपको इसके कलर और ग्राफिक्स में देखने को मिलेगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पिछले टाइम ही पिछले साल इस पर मैंने वीडियो बनाया था जब ये लीक हुआ था इमेज, तो ये इस टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत चेंज भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है, बट इतना है कि आपको इसमें न्यू कलर देखने को मिलने वाला है। वहीं सेकेंड नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो इसके हेडलाइट में आपको न्यू फ्रेश डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। हेडलाइट का भी डिज़ाइन चेंज होगा, जैसा कि आप अभी KTM के बाइक में देखते हैं। KTM की बाइक में भी अपने हेडलाइट को डिज़ाइन को चेंज किया है, ठीक आपको इसमें भी वैसा ही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। सेम वैसा ही डिज़ाइन नहीं, बट इसमें जो डिज़ाइन हेडलाइट का उसमें आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें तो इसका सस्पेंशन में देखने को मिलेगा, फ्रंट के सस्पेंशन में। जैसा कि अपडेटेड जो 2020 204V TVS Apache का, उसमें आप फ्रंट में देखते हैं सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेम फीचर आपको इसमें भी देखने को मिलने वाला है TVS की Apache RR310 में। इसमें भी फ्रंट सस्पेंशन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आने वाले TVS Apache के न्यू RR310 में आपको स्पेन एडजस्टेबल गियर एंड क्लच लीवर देखने को मिलने वाला है। TVS Apache अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है, जिसमें आपको बेस्ट लुक और बेस्ट पावर ट्रेंस देखने को मिलने वाला है। ये BMW के पार्टनरशिप के थ्रू बनता है, तो ये इसमें आपको BMW की जो G310R है उसका ही इंजन आपको देखने को मिलने वाला है। बट इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको रिफाइंड इंजन देखने को मिल सकता है, और थोड़ा सा पावर ट्रेंस आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसा कि 164V में आपको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है पावर ट्रेंस, वैसा ही आपको TVS के RR310 में देखने को मिलने वाला है। मैकेनिकली इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको 313cc का सिंगल सिलेंडर वाला मोटर देखने को मिलेगा, जो 34 PS का पावर और 27.3 Nm का टॉर्क जनरेट कर देती है। अभी जो TVS की Apache RR310 है उसमें आपको मिशलिन रोड 5 का टायर देखने को मिलता है, जिसको रिप्लेस किया गया था मिशलिन पायलट स्पोर्ट टायर से। अब इसमें आपको TVS प्रो टॉर्क एक्सट्रीम रेडियल्स रबर टायर देखने को मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि ये मेड इन इंडिया वाला को एक प्रमोट करने का जरिया हो गया, तो इसमें जो इंपोर्ट चार्ज है, ड्यूटीज है, जो टैक्स लगते हैं वो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो ये आपको अब इसमें बेटर टायर आपको देखने को मिलने वाला है न्यू अपडेटेड Apache RR310 में। कुछ टाइम पहले TVS Apache RR310 के प्राइस को इंक्रीज किया गया था, 6,000 से 7,000 आपको इसके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला था, बट फिर भी ये KTM की RC390 से थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, और पावर ट्रेंस दोनों में ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये 300cc की सेगमेंट में फर्स्ट ऐसी बाइक है जिसमें आपको 4 राइडिंग मोड मिलते हैं, स्पोर्ट, अर्बन, ट्रैक और रेन। ये आपको इस बाइक में भी जो अपडेटेड है इसमें भी ये कंटिन्यू रहेंगे। इसमें हो सकता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाए, जो कि एक नया है, और भी इसमें कुछ नया फीचर देखने को मिल सकता है। ये जब TVS की तरफ से ऑफिशियल रिवील किया जाएगा उसमें हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या कुछ आपको इसमें नया फीचर देखने को मिलने वाला है। ये जो मैंने फीचर बताया ये अभी जो लीक हुआ है, जो डिटेल्स आउट हुए उसके थ्रू मैंने ये आपको अपडेट किया है, अपडेट आपके साथ शेयर किया है। वहीं इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जाएगा। ये 2.5 लाख से लेकर 2.6 लाख होने वाला है, मतलब 2,50,000 से लेकर 2,60,000 के अंदर ही इसका एक शोरूम प्राइस होने वाला है। ऑन रोड ये आपको शोरूम में जब ये लॉन्च किया जाएगा उस टाइम ये पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट जो प्राइस है वो कितना होने वाला है। तो यही कुछ अपडेट आपको देना था, आपके साथ शेयर करना था। आगे भी कुछ भी अपडेट इसके बारे में मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैं अपडेट मिल जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोशिश करें कि फॉलो कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए गुड बाय, बाय बाय। तब तक के लिए राइड विथ बाइक।